तब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए। जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता। सलमान खान एंड सुपरस्टार रजनीकांत होने वाला है बॉलीवुड और साउथ का सबसे बड़ा कोलैब। और इन दोनों सुपरस्टार्स को साथ में लाने का जिम्मा उठाया है ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटले कुमार ने। भाई मुझे लग रहा है कि एटले कुमार ने ठान ही लिया है कि जैसे SRK ने अपनी पठान का रिकॉर्ड खुद ही जवान से तोड़ा था, ऐसे ही एटले कुमार भी अपनी फिल्म जवान का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोला था ना मैंने कि ये बात पक्की है, सलमान भाई अब साउथ की ओर निकल पड़े हैं और अब बनेगी सबसे बड़ी एक्शन फिल्म। ऑल्सो असली मजा तो इसी में है कि फिल्म का विलेन हीरो की टक्कर का होना चाहिए। ये हल्के फुल्के विलेन को हरा के कहां मजा आता है यार। विलेन कम से कम ऐसा हो कि लगे हाँ हीरो को पूरी जान लगानी पड़ेगी ये जंग जीतने में, कि छोटे मोटे छुटमुंगियों को मार गिराना नहीं मजा आता यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। वैसे एक और अंदर की खबर है मेरे पास कि इस फिल्म में रणवीर सिंह को भी लेने की बात हो रही है। मतलब एक फिल्म में सलमान खान के अपोजिट दो दो विलेन। भाई सुन के ही ना एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। वैसे सलमान और रजनीकांत ये हीरो विलेन की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या रजनी सर की जगह किसी और को लेना चाहिए था? मुझे कमेंट करके बताएं। और एटले कुमार की इस फिल्म को लेकर और क्या है अपडेट मेरे पास? That I'll tell you in this video. Hi, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। सलमान खान के अपोजिट रजनीकांत एज विलेन नजर आने वाले हैं, ये बात सच है। लेकिन काफी लोगों को एक कंफ्यूजन हो गया है। कई लोगों को लग रहा था कि ये यहाँ सिकंदर फिल्म की बात हो रही है। सिकंदर में रजनी सर का भी वेलकम हो गया है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ना मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सिकंदर की नहीं बल्कि एटले कुमार की फिल्म की बात हो रही है। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। वैसे बॉलीवुड और साउथ के दो बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ फिल्म में लाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये मुमकिन हुआ है सन पिक्चर्स वालों की वजह से। सन पिक्चर्स ने ही रजनी सर को इस फिल्म में लिया है। और वैसे भी रजनीकांत एंड सन पिक्चर्स का साथ बढ़िया चल रहा है। आपको याद ही होगा अभी उनकी लास्ट रिलीज जेलर भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई थी। 650 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया था, तो कोई कैसे मना कर देगा। एंड एटले कुमार को तो ऐसे ही धमाकेदार पेयरिंग चाहिए भी थी, क्योंकि SRK एंड विजय सेतुपति के अलावा वो ट्राई कर रहे थे SRK एंड थलापति विजय को साथ मिलाने का, लेकिन वो तो अब पॉसिबल नहीं है। गोट थलापति विजय की आखिरी फिल्म होने वाली है, फिर वो फिल्मों से टाटा बाय बाय लेने वाले हैं, ऐसा काफी टाइम से सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इससे बेटर और इससे तगड़ी पेयरिंग हो ही नहीं सकती। फिलहाल दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्री के सूरमा हैं, इनके नाम से भाई टिकटें बिकती हैं। और जब इस तरह की स्टार कास्ट आप फिल्म में लेते हैं तो भाई हंगामा होना बनता है। लोग दौड़े दौड़े आएंगे थिएटर तक, क्योंकि साउथ में थलाई वार रजनी सर का और इधर बॉलीवुड में अपने सलमान भाई का सिक्का चलता है। और जब से सलमान खान ने साउथ से हाथ मिलाने का मन बनाया है, उनके फैंस ना तो खुश ही हो गए। बाय गॉड, मैंने कई कॉमेंट्स पढ़े हैं सोशल मीडिया पर, सबका यही कहना है कि भाई बस यही चाहिए था। अब रोमांस वगैरह ना छोड़ दो सलमान यार, अब आप एक्शन करो फुल टू जम के। और वैसे भी एटले कुमार ऑलरेडी SRK के साथ जवान करके अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि भाई काम बढ़िया होगा, तो फिर टेंशन किस बात की है। और अगर ये रणवीर सिंह वाली बात सच हुई तो मजा आ जाएगा। नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तब होगा डबल फन। एंड रणवीर सिंह इस विलन फिल्म में नजर आ सकते हैं, ये रूमर बिलीव करने वाला है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रणवीर को विलेन बनने में कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट वो तो इस तरह के रोल के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि देखो कोई कुछ भी कहे लेकिन रणवीर सिंह एक्सपेरिमेंट करना तो जानते हैं, और वो और बाकी एक्टर्स की तरह स्टीरियोटाइप में नहीं फंसेंगे। एंड उन्होंने पद्मावत में खिलजी का कैरेक्टर भी तो किया था ना, वो भी डार्क कैरेक्टर था, बट ही पुल्ड इट ऑफ रियली वेल। तो भाई लगाओ अपनी अपनी बोली, कितने हजार करोड़ पर जाएगी ये फिल्म, क्या करेगी जवान से डबल का कलेक्शन, मुझे कॉमेंट करके बताएं। एंड यस, Do not forget to subscribe our channel. You can also follow me on Instagram. Mera Instagram handle hai WhatsApp Sakshi. Please like and share this video. Aap dekh rahe the Uncut. Welcome, good evening, good morning, good afternoon, namaskar. And the Oscar goes to anyone but Nitish. Aaj tak ek bhi chunav nahi lade hai. बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइन जिन पे राघव लगता हो जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कैटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। आई लोगों मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है, मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियाँ कौन सी टेक्निक यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे। सॉरी आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए BJP ने क्या किया?
इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन, कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसे लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। Uncut. 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 Uncut.